हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि जो एमपी बोर्ड का स्टूडेंट है उसका 21 को केमिस्ट्री का पेपर है और उसके लिए बच्चे ने रिक्वायरमेंट किया था कि सर वन शॉट चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। तो मैंने लाइव क्लास में लेकर ज़्यादातर ख़त्म कर दिया हूँ, लेकिन जो बच्चा स्पेशली जिस चैप्टर्स के क्वेश्चन की डिमांड किया है तो उसके हिसाब से मैं आपका जो सोल्यूशन है पहला चैप्टर कम्प्लीट कर दिया हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कम्प्लीट कर दिया हूँ। अब हम देखते हैं फिजिकल का लास्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? अब केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम ये सारे डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, कॉलिजन, आर और के में डिफरेंस, साथ में मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्गेनियस इक्वेशन, मतलब पांच ये जो कि आपके तीन या चार नंबर में आ सकते हैं और यहाँ पे चार ये जो कि दो मार्क्स में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार तीन सात क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर और अच्छे से डिस्कस करेंगे और स्पीड में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और एक ही झटके में आपका केमिकल काइनेटिक चैप्टर का द एंड हो जाए। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं जल्दी जल्दी। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का वो है 21 को, 21 तारीख को एग्ज़ाम है। और बच्चों ने जैसे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस डले हैं और जो ऐप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हैं, तो आप ऐप में भी जा सकते हैं। एम करियर इंस्टीट्यूट नाम का ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनके अलावा भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास मैंने लिखा, इनमें से हम पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं बेटा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी, क्या डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, पहले हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बेटा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ रिएक्टेंट को रिएक्शन के लिए, इसके एक्टिवेट करने के लिए आप उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे होंगे। तो इसकी मिनिमम से एक्स्ट्रा एनर्जी, जितना इसको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी जब आप दोगे तो हम इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए मिनिमम एनर्जी 10 जूल है, तो आप 10 से थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो तो वो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाई अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्ट इंटू अ प्रोडक्ट। इट ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेशन और एनर्जीज मॉलिक्यूल और एटम सो दैट कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब यदि हम बात करें, सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो आप मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट, एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है जूल पर मोल। क्या होता है, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है। यदि हम देखें कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में डिपेंड किस किस पे करती है, तो हो जाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि यहाँ पे आप किस तरह के रिएक्टेंट लिए हो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है इफेक्टिव कैटलिस्ट कि आप उसमें कैटलिस्ट कैसे मिलाए हो। कभी कभी पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी की रेट को बढ़ा देता है, कभी कभी नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी की रेट को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके ग्राफ का, एक्टिवेशन एनर्जी के यदि हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखो एनर्जी और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है ग्राफ। तो यदि मान लीजिए ए बी सी है, ये हमारा बेटा इतना रिएक्टेंट है, इतना क्या है, ये इतना पार्ट रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट को आपने एनर्जी दिया और ये एनर्जी गेन किया और ये जब इस वाले एरिया को कवर करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस वाली वैल्यू को कवर करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो इतनी वैल्यू जो है एनर्जी की, जो ये वाली वैल्यू है ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये वाली वैल्यू जो है, जो मिनिमम वाली वैल्यू है,
ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को देखेंगे। तो देखो दो तरह का ग्राफ बनेगा, एक बनेगा एक्सोथर्मिक, एक बनेगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हीट रिलीज करती हैं, है ना। ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। एक एंडोथर्मिक होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है, क्लियर। तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो देखो ये कम है, क्लियर। और ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक के लिए। अब यदि हम एंडोथर्मिक की बात करें, तो बेटा एंडोथर्मिक में आप देख रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है, ये इतना। अब आपको इतनी सारी एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप इतनी एनर्जी दोगे तो होगा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी ज़रूरत है प्रोडक्ट को उससे, मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इसको, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट इन कन्वर्ट इन मतलब यहाँ पे आप इतनी एनर्जी दोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को आप एक्स्ट्रा या मैक्सिमम एनर्जी दोगे, जिसको ये गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत आसान है कि ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो मैं आपको बता दूँ कि रिएक्टेंट में जो भी एटम है या जो भी एलिमेंट है, रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट को रिएक्शन कराने के लिए आप इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे। क्या दोगे इसको, कुछ ना कुछ एनर्जी। तो ये वाली जो एनर्जी है ये होती है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख देना, रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी जिसको गेन करके, है ना, एनर्जी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि इसकी जो मिनिमम एनर्जी है ये वाली, ये जो ये वाली एनर्जी है इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्लियर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कितनी प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होता है, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बेटा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये बना रहा है प्रोडक्ट, तो इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनाने की स्पीड क्या है, कितना तेज प्रोडक्ट बनाता है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, मतलब कि जैसे आप चाय बना रहे हो या खीर बना रहे हो, तो चाय जल्दी बनती है कि खीर जल्दी बनती है, पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चाय बना रहे हो तो चाय जल्दी बनती है कि खीर जल्दी बनती है, जिसकी जो जल्दी बनेगा उसकी रेट ज़्यादा है, उसका स्पीड ज़्यादा है। जैसे आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हो और आप भोपाल से रीवा जा रहे हो, अब यदि दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो कहाँ जल्दी पहुँच रहे हो, उसकी क्या हो गई स्पीड। जैसे आप यहाँ से भोपाल से कहाँ जा रहे हो, आप मान लो भोपाल से इंदौर जा रहे हो, अब इंदौर जा रहे हो, इंदौर एक बाइक से जा रहे हो एक कार से जा रहे हो, जो जल्दी पहुँचेगा, कौन जल्दी पहुँचेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जो जल्दी पहुँचेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब रिएक्टेंट जो है, तो जब आप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में स्पीड कितनी है वो उसकी होती है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को इस फार्मूले से देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ है। इस फार्मूले से देखा जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है वो उसका होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसकी डेफिनीशन ऐसे लिखोगे, यदि आपको भूल रही है डेफिनीशन रेट ऑफ रिएक्शन का, तो आप ऐसे लिखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि बड्डा ब्रैकेट कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे देखते हैं, यहाँ पे आइए, द रेट अ विच अ केमिकल रिएक्शन अकर एंड प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज
इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन दो के लिए लिखते हैं। हम लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ये है और एक ये पॉइंट है, ग्राफ से हम समझेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट है, ये मैक्सिमम अमाउंट है तो ये होगा रिएक्टेंट, ये मिनिमम अमाउंट है तो ये होगा प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आपने जितना अमाउंट लिया था रिएक्शन कराने के लिए तो वो मैक्सिमम था। जैसे जैसे आप रिएक्शन कराते जाओगे तो कम होता जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो आपको चाय बनाना है तो दूध, शक्कर, चाय पत्ती जो भी ये अमाउंट रखे हो तो ये मैक्सिमम है। जैसे इससे चाय बनाते जाओगे तो चाय प्रोडक्ट है, तो जब चाय बनाते जाओगे तो शक्कर, दूध, चाय पत्ती ये कम होता जाएगा क्योंकि इसको आप प्रोडक्ट बनाने में यूज कर लिए। तो सेम कहानी है कि जो हमारा रिएक्टेंट है अभी मैक्सिमम है, अब धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा। मतलब अभी ऐसा है, देखो ये मतलब ऐसा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट 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 है। अब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, ये रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव, जिसका कम होगा नेगेटिव। तो R फॉर प्रोडक्ट प्लस D प्रोडक्ट अपॉन DT। फिर सेकेंड क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की यदि हम बात करेंगे तो आर, इस बार रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट कम हो रहा है क्योंकि आप प्रोडक्ट में बना रहे हो तो रिएक्टेंट कम हो रहा है। यदि रिएक्टेंट कम होगा तो माइनस डी बाई डी टी। यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी बेटा इसकी यूनिट। तो ये हो गया क्या अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बेटा? रेट लॉ। क्या है नेक्स्ट? रेट लॉ। क्या होता है रेट लॉ? तो रेट लॉ क्या होगा बेटा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी। चलिए चलिए अब अपन समझते हैं बेटा रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? तो रेट लॉ होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल हटेगा तो के हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा? द रेट ऑफ, द रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन इज आ एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप एंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेट इट। मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ The reactant, clear? ये reactant के directly proportional होगा reactant, तो हमारा हो जाएगा R directly proportional, है ना? R directly proportional to capital R, मतलब कि rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, proportional हटेगा तो K आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या? Rate law, clear? तो rate law और rate of reaction में difference क्या होता है? तो जो rate of reaction होता है वो होता है change in concentration with respect to time, is called rate of reaction, उसको भी small r से represent करते हैं। यदि हम rate law की बात करें तो rate law क्या होगा? Rate law is directly proportional to the
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको भी हम स्मॉल आर से डिपेंड कर डिनोट करेंगे, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर बच्चों? चलिए, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि हम स्पीड में ले रहे हैं तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले सकते, है ना। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट क्या होगी। तो मैं इसको एक शानदार एक धांसू फार्मूला बताते हैं, आप उसी फार्मूले से इसको करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है बेटा, अपना फार्मूला है के इक्वल टू, अपना फार्मूला है के इक्वल टू मोल वन माइनस एम प्लस एन लीटर एम प्लस एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। ये एकदम भयंकर इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, तो फार्मूला है के इक्वल टू मोल वन माइनस एम प्लस एन लीटर एम प्लस एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। यदि हम बात करें यहाँ पे एम प्लस एन क्या है, तो ये है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है तो पहले समझो। यदि हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है एम ए प्लस एन बी इक्वल टू प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिएक्शन की ऑर्डर होती है तो ये होती है ओनली फॉर रिएक्टेंट। क्लियर? ये सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होती है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट लॉ। क्या लिखेंगे इसके लिए, हम इसके लिए लिखेंगे रेट लॉ। और रेट लॉ मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आ जाइए आर प्रोपोर्शनल टू ए, सामने जो है पावर चला जाएगा, बी सामने जो है पावर चला जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर एम बी की पावर एन, है ना, क्योंकि जो सामने का नंबर है वो पावर चला जाता है। क्लियर? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा एम प्लस एन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिया एन टू प्लस थ्री एस टू इक्वल टू टू एन एस थ्री। यदि हम आर लिखेंगे तो आर हो जाएगा के एच टू, आर हो जाएगा के एच टू की पावर थ्री और एन टू की पावर कुछ नहीं है मतलब वन। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू थ्री एन की वैल्यू वन। तो यदि हम ऑर्डर की बात करें तो एम प्लस एन मतलब थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगी फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आने का चांस है एन टू ओ फाइव टू एन टू ओ फाइव फोर एन ओ टू प्लस ओ टू। क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखोगे आप ऐसे लिखोगे आर इक्वल टू के एन टू ओ फाइव की पावर टू, क्योंकि सामने टू लिखा है और यहाँ पे एम की वैल्यू टू है, एन है ही नहीं मतलब जीरो है। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये ऐसी नहीं होती है, ये एक्सेप्शंस है। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे, लॉजिक हम इसका बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा लॉजिक के लिए समय नहीं है। तो इस वजह से हम इसका रेट कुछ ऐसा लिखते हैं, इसलिए ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी बात करें देखो, तो ये देखो क्या लिखी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे, तो आर इक्वल टू लिखेंगे के एच टू आई टू ऐसे, सॉरी इसके लिए हो जाएगा आर इक्वल टू के एच टू सामने कुछ नहीं मतलब वन, आई टू सामने कुछ नहीं मतलब वन, तो एम इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम प्लस वन वन प्लस वन इक्वल टू टू। क्लियर? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो मैं बोल रहा था कि यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है एम प्लस वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एग्जाम में आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। तो हम पहले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लेते हैं पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, चलिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा,
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट के इक्वल टू मोल वन माइनस एम प्लस एन की जगह पे हम लिखेंगे, एम प्लस एन की जगह पे लिखेंगे जीरो, लीटर जीरो माइनस वन और सेकेंड माइनस वन। मतलब कि देखिए ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो मतलब मोल बचेगा, लीटर जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन बचेगा, तो ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा मोल वन, लिखो ना लिखो बात बराबर है, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा। फिर यदि हम दूसरा एग्जांपल बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, एम प्लस एन की जगह पे लिख देंगे वन, तो ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा के इक्वल टू मोल वन माइनस एम प्लस एन की जगह वन, लीटर एम प्लस वन की जगह वन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। तो देखिए वन माइनस वन तो जीरो, मोल जीरो, लीटर जीरो, सेकेंड माइनस वन, ये जीरो तो वन हो जाएगा, ये जीरो तो वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हो गई यूनिट सेकेंड इनवर्स। यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो एम प्लस एन इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए के इक्वल टू मोल वन माइनस टू, लीटर टू माइनस वन, सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल माइनस वन, लीटर वन, सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा मोल माइनस वन, लीटर वन और सेकेंड इनवर्स, क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब कभी कभी क्या होता है, आपको ना रिएक्शंस दे देता है और रिएक्शंस की बोलता है कि इसकी इसके रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट बताओ। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे, क्लियर। तो चलो हमने ले लिया एक रिएक्शन, क्या ले लिया अपन ने, एन टू प्लस थ्री एच टू जो आपके एन सी आर टी में लिया है वही ले लेते हैं, इक्वल टू टू एन एच थ्री। इसके लिए आर इक्वल टू के एच टू एन टू, यहाँ पे वन यहाँ पे थ्री, मतलब एम प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी फोर, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर। अब इसके लिए यदि रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, के इक्वल टू मोल वन माइनस फोर, लीटर फोर माइनस वन, सेकेंड माइनस वन, तो ये हो जाएगा क्या, मोल माइन मोल माइनस थ्री, लीटर थ्री और सेकेंड माइनस वन, क्लियर। तो इसके रेट कांस्टेंट की हो जाएगी यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्या, इस तरह से आपको और भी रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन दे सकता है, तो आप इसके पावर को देखना, एम प्लस वन कभी कभी दो के जगह तीन ले लेता है, जैसे एन टू एच टू मान लो कोई ऐसे रिएक्शन में तीन ले लिया, तो एम प्लस एन प्लस क्यू, आपको सबको जितने भी रिएक्टेंट के मोल हैं आपको सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे वन प्लस जैसे मान लो तीन ले लिया, सात है तो सात कर देना है, जो भी होगा यहाँ पे आपको उस तरह से करने हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, और ये सारे क्वेश्चन का जो एक साथ सलूशन है आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ऐप में भी जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में आप जैसे ही एम करियर इंस्टीट्यूट डालेंगे तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। और मैं आप एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे नीट एग्ज़ाम के बाद और जैसे ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बाद, आप लोग जब नीट का फॉर्म भरोगे तो नीट का फॉर्म भरने के लिए आपको नीट का जब फॉर्म भरोगे तो एक तो नीट की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जिन बच्चों को नीट का फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बाद पूरा फोकस नीट में करेंगे और नीट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे देंगे। और हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन की फी ओनली 600 रुपीज पर सब्जेक्ट, मतलब हम हर सब्जेक्ट को सिर्फ 600 रुपए में पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं 12,000 में, ठीक है। ऑफलाइन हम लोग सिर्फ किस में पढ़ा रहे हैं, 12,000 में। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग से वीडियो है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं बेटा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताना इसलिए जरूरी है कि बच्चा भटकेगा, ट्वेल्थ के बाद करना क्या है, इसलिए पहले से उसको इन्फॉर्म कर दो कि अच्छे से टीचर है वहीं पर पढ़ ले, है ना। आओ तो यदि हम बात करें बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या है,
और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्या ज़्यादातर आने के चांस हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन चार नंबर में तो नहीं आएगा, लेकिन दो या तीन नंबर में आ सकता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर जीरो, तो आर इक्वल टू के आर की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है, तो हो जाएगा आर इक्वल टू के। और यहीं पे डीएक्स बाई डीटी होता है रेट, ये हो गया रेट लॉ और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ पे यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यदि हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब यदि किसी का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्लियर। क्या लिखा हुआ देखो, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इस तरह से हम दो इक्वेशन बना दिए। अब ये दोनों आर सेम है तो दोनों को हम सेम कर देंगे, तो हम कर देंगे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के, तो हमारा हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू के डी टी। हम इन दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों में हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा डी एक्स इक्वल टू के डी टी। जब हमारा ये सांप हटेगा तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू के टी, है ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लग जाएगा, हमारा सी लग जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है टी बराबर जीरो समय पर एक्स जीरो होता है, टी बराबर जीरो समय पर कंसंट्रेशन जीरो थी प्रोडक्ट की, तो हमारा हो जाएगा इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, ये वैल्यू थर्ड में रख दो, तो जीरो इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी, यहाँ हो जाएगा c इक्वल टू जीरो। अब c की वैल्यू यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के टी प्लस जीरो, यानी कि x इक्वल टू के टी, तो हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा k इक्वल टू x बाई टी। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इसी तरह कुछ सॉल्व कर देना है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर। चलिए अब कभी कभी ऐसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कुछ इस तरीके से पूछता है, एक क्वेश्चन अलग से बना देगा, बोल दिया प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसका आंसर सेम लिख दो कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन आर डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट रिलेशन बिटवीन आर एंड कंसंट्रेशन एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग, क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया था के इक्वल टू एक्स बाई टी। अब क्या बोल रहा है, ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया था, ये बोल रहा है बेटा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर का टी जो है हो जाएगा टी हाफ और कंसंट्रेशन जो है एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए हाफ। हाफ लाइफ में जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाएगी, तो हमारा फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो के इक्वल टू एक्स के जगह ए बाई टू और टी के जगह टी हाफ। हमको टी हाफ निकालना है तो टी हाफ इधर ले आओ, तो ये हो गया टी हाफ, ए यहीं रहने दो, दो के नीचे ले जाओ तो टू के, तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फार्मूला। यहाँ पे आप सारी चीज़ें ज़रूर लिखिएगा अच्छे से एग्ज़ाम में कि आपका ए क्या है,
टी हाफ क्या है, एक्स क्या है, ये सब लिखा करिए। ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड और फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, तो इस तरह से आप जरूर लिखो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हम आप लोगों का आगे का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप डाउट ही नहीं बताओगे तो कैसे होंगे। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नया क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम से, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर? तो लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का हम डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन एमपी बोर्ड में इसको कैसे लिखते हैं तो हम सिस्टमेटिक लिखना सीखेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पे है, लिखेंगे अपन ऐसा कि जैसे यदि मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, कोई ये रिएक्टेंट है, ये कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, और यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब एम प्लस एन इक्वल टू वन होगा और इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो जैसे मान लीजिए कि ये आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा के की पावर वन, तो आर इक्वल टू के आर की पावर वन, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे हम आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये मान लीजिए इसको हम डिराइव कैसे देखेंगे, डिराइव देखने के पहले हम इसका देखते हैं फॉर्मूला, वो डेफिनेशंस क्या है। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन मोल आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन होता है रेट कॉन्स्टेंट के, रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि इसके एक मोल के, एक मोल हमको यहाँ पे लेना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के आ जाएगा, के ऊपर पावर वन हो जाएगा और आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब अपन इसको एक इक्वेशन लेके समझते हैं। एक इक्वेशन लेके समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपन ने ले लिया बेटा ए से बी, मान लीजिए टी बराबर जीरो समय पर कंसंट्रेशन है ए जीरो, ए और जीरो, टी बराबर टी समय पे, टी टू समय पे इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, इसकी एक्स। क्लियर? अब यदि हम बात करें इसको, इसके लिए यदि हम रेट लिखते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1, तो R इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा K की पावर 1, तो R इक्वल टू K, A के जगह हम लिख देंगे A माइनस एक्स, A के जगह हम लिख देंगे A माइनस एक्स की पावर 1, A माइनस एक्स की पावर 1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर? इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को जैसे आप इक्वल करोगे तो के ए माइनस एक्स, हमने इसको उठा लिया, इक्वल में कर देंगे माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के डी टी यहाँ हो गया माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, हमने नीचे ले लिया। क्लियर? अब इन दोनों में हम लेंगे लॉगरिथम, मतलब सॉरी, पहले लॉगरिथम के पहले इनका हम लेते हैं इंटीग्रेशन, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, जैसे आप इसको इंटीग्रेशन लोगे तो के डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, जैसे इंटीग्रेशन हटेगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा के टी प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट माइनस एल एन ए माइनस एक्स। याद रखिएगा डायरेक्ट इसका ये इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि आप
टी बराबर जीरो समय पे एक्स इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन है, टी बराबर जीरो समय पे कंसंट्रेशन क्या है जीरो, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऐसा के इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू माइनस एल एन ए माइनस जीरो, तो ये बचेगा सी इक्वल टू माइनस एल एन ए। इसकी वैल्यू अब अपने को पुट करनी है कहाँ, इसकी वैल्यू आप पुट करिए इस इक्वेशन में जिसको हमने दे दिया इक्वेशन थर्ड, क्लियर। अब सी की वैल्यू आइए इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, सी की वैल्यू अपन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है के टी प्लस सी इक्वल टू माइनस एल एन ए माइनस एक्स, तो के टी सी की वैल्यू माइनस एल एन ए इक्वल टू माइनस एल एन ए माइनस एक्स, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो के टू इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, क्लियर। अब लॉग का फार्मूला होता है माइनस डिवाइड में चला जाता है, तो इसको आप डिवाइड में कर दीजिए, के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ln की वैल्यू होती है 2.30, और ln की जो वैल्यू होती है ना लॉगरिथम, ln की वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे kt इक्वल टू माइनस 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पे इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप जैसे k लोगे तो आप क्या करोगे, k के लिए आप t को नीचे ले आओ, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, क्लियर। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आप सब कुछ लिख दो कि K क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, A है इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस X है आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन, है ना, और T यहाँ पे है टाइम, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसी का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप देखोगे हाफ लाइफ पीरियड बनाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ में सब कुछ आधा हो जाएगा, कैसे आधा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका जो समय है ये हो जाएगा टी हाफ, जो कंसंट्रेशन है ये हो जाएगा ए बाई टू, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी। तो फार्मूला क्या है अपना, फार्मूला है के बराबर 2.303 लॉग, फार्मूला है के बराबर 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्लियर, अपॉन टी। तो हम सबको चेंज कर देते हैं, तो टी इधर, तो टी हाफ कर दिया, 2.303 अपॉन के कर दिया, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स के जगह ए बाई टू, जब ए में ए बाई टू माइनस करोगे तो आ जाएगा ए बाई टू, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए बाई टू, ए से ए कैंसिल आ गया लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग टू की वैल्यू, लॉग टू की वैल्यू क्या है 0.3010 अपॉन के, है ना। तो जब आप इसको इंटू करोगे इन दोनों के, तो दोनों को इंटू करने में आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.693, डायरेक्ट याद रखिए 0.693
अपॉन के, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया हाफ लाइफ पीरियड। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, पूरा एक साथ भी पूछ सकता है, पूरा अलग अलग भी पूछ सकता है। अब इसी का देखते हैं हम बेटा ग्राफ। कभी कभी क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, आप देखिए आपसे पूछ लिया कि log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टी, मतलब इसको टी ले लिया और इसको ले लिया क्या log a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देखो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यदि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इसका ग्राफ मिलेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ मिलेगा सीधा। एक और ग्राफ है इसी का, क्या बोल रहा है log a माइनस वर्सेस टी, मतलब आपको ये ग्राफ बोल रहा है मैं इसको बना देता हूँ t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a माइनस log a माइनस एक्स। मैंने अपॉन को माइनस में कर दिया क्योंकि log a अपॉन b इक्वल टू होता log a माइनस log b। तो आपका जो ग्राफ है ये t और इसके बीच में, देखो यहाँ पे मतलब यदि इतनी वैल्यू log a है, इसके ऊपर की वैल्यू है log a माइनस एक्स, लेकिन सामने लगा है नेगेटिव, मतलब ग्राफ नीचे जाएगा तो बनेगा तो स्ट्रेट लेकिन आएगा नीचे। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा log a माइनस एक्स वर्सेस टी के बीच ग्राफ। यदि आपको ग्राफ नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, आर्हीनियस इक्वेशन। क्या डिस्कस करते हैं, चलो आर्हीनियस इक्वेशन, ये भी बहुत आसान है। अब अपन देखते हैं बेटा आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, तो क्या लिखा है, आर्हीनियस गिव अ रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, विच इज नोन एज आर्हीनियस इक्वेशन। और ये बनती है आपकी आर्हीनियस इक्वेशन। ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, के रेट कांस्टेंट, आर्हीनियस कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, सारी वैल्यू यहाँ पे गिवेन है। आइए इसको हम करते हैं ड्राइव। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन है बेटा के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर, अब अपन क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन का हम लेते हैं लॉगरिथम, हम दोनों में लॉग लेते हैं। तो ln k इक्वल टू ln a e माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर, एक फार्मूला होता है log x की पावर n इक्वल टू n log x। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a इंटू है, तो इंटू को पहले हम लगाएंगे log a इंटू बी। जैसे मान लीजिए कहीं पे है log a इंटू बी, तो ये हो जाता है log a प्लस log b। तो हम सबसे पहले इसमें इंटू है तो पहले हम प्लस वाला लगाएंगे, तो log a प्लस log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है ln k, ln a प्लस ई ए अपॉन आर टी, तो ये हो जाएगा log k इक्वल टू log a, अब इसकी पावर बाहर आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। ln e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1, तो बचेगा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो ln की वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना। आइए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर, ये हो गई वैल्यू। अब इस पूरी वैल्यू में हम सेम वैल्यू का इंटू या डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन इसमें ऐसा करते हैं 2.303 का करते हैं डिवाइड। आइए इसमें हम 2.303 का डिवाइड करते हैं, तो 2.303 का यहीं पे डिवाइड कर दो, हम सब में करेंगे, आप लोग अलग लिस्ट स्टेप लिख देना, ये से ये कैंसिल आउट, तो
तो हमारा बचा क्या, हमारा यहाँ पे बचा log k इक्वल टू log a माइनस ea अपॉन 2.303 rt। क्लियर? तो ये हमारा बचा क्या, आर्हीनियस इक्वेशन वेरी आईएमपी, ये हमारा हो जाएगा आर्हीनियस इक्वेशन। और जो आर्हीनियस इक्वेशन होती है दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग होती है। कैसे दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए? तो यदि हम बात करें फॉर टी वन टेम्परेचर पे कांस्टेंट के वन होगा, टी टू टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट के टू होगा। तो ऐसे हम लिख देंगे, देखिए लॉग के वन इक्वल टू टू ई ए अपॉन 2.303 RT1 log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा log k2 इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। क्लियर? ये हो गई बेटा दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन में इसको माइनस कर दो, तो log k2 माइनस k1 क्या आ जाएगा, मतलब इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा log k2 माइनस k1। तो log k2 माइनस k1 को हम लिख देंगे k2 अपॉन k1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ea अपॉन 2.303 RT2 माइनस t1 अपॉन t2 इंटू t1। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल वैल्यू, ये आर्हीनियस इक्वेशन का फाइनल फार्मूला आ गया है। क्लियर? तो इस तरह से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्लियर होते हैं और इनके आने के चांस एग्जामिनर देगा क्या इनको, नहीं देगा। क्लियर? तो ये हो गए आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कर लीजिए। यदि आप लोगों को कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐप में जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे, और जो ऐप है वो है एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल नाम से ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड, तो आप उनको देख सकते हैं।